सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स रैंडम। आज हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स की संचार व्यवस्था। अब सबसे पहले जो वर्ड इसमें लिखा हुआ है ना, कम्युनिकेशन, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। जब हम किसी से भी बात करते हैं, चाहे वो फ़ोन कॉल हो या फिर मैसेज के थ्रू हो या फिर आप फेस टू फेस बात करें या हम न्यूज़ सुनते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ या कुछ भी ऐसा हो रहा हो जिसकी वजह से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई पर्टिकुलर मैसेज एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रहा हो, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। नाउ कम्युनिकेशन इज़ अ सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और अ ग्रुप टू अनदर। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन सेंडर, मतलब कि या मैसेज एंड अ रेसिपियंट, जो उसे रिसीव करा है। तो जब कभी भी कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसमें कम से कम एक सेंडर जो मैसेज भेज रहा है वो, और एक जो रिसीवर होता है वो, ये दो कम से कम होने चाहिए। इसमें दिस इंक्लूड्स आर इमोशंस, द कल्चर, सिचुएशन, मीडियम यूज टू कम्युनिकेट एंड इवन आर लोकेशन। जब कभी भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आप जो बात या मैसेज आप किसी को देना चाहते हैं वो होता है, कोई कल्चरल सिचुएशन हो सकती है या फिर जिस मीडियम के थ्रू। स्पेशली जब हम कभी भी फेस टू फेस बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो भी मीडियम की बात करेंगे तो उसमें हमारा जो मेनली मीडियम होता है वो एयर होता है, हवा, जिसकी थ्रू हमारे जो थॉट्स या बातें हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे संचार कहते हैं। ये जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल इसलिए भी हो सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर थ्योरी में इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है वर्बल। वर्बल का मतलब है वॉचिंग, मीन्स की बोल कर जब हम अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। मेनली हमारे पास जो कम्युनिकेशन है उसके फोर टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज वर्बल, इट इज़ अ मेथड दैट यूज स्पीच इन द फॉर्म ऑफ स्पीकिंग टू कन्वे अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यूजुअली प्रैक्टिसाइज्ड ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, फोन कॉल्स, प्रेजेंटेशन, वन ऑन वन कन्वर्सेशन एंड मीटिंग्स। इट सपोर्ट्स बोथ नॉर्मल नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है ये बहुत ही ईजी होता है। इसके लिए एक तो ये ईजी इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको एक पर्टिकुलर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे फ़ोन कॉल के थ्रू या किसी मीटिंग में आप आराम से कुछ भी किसी को बोल सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजिली और डायरेक्ट आपके मैसेज को दूसरे पर्सन तक पहुंचा देता है। इसे हिंदी में वाचिक संचार कहते हैं। बोलकर संचार करने को मौखिक संचार कहते हैं, वाचिक संचार या फिर मौखिक संचार आप इसे कह सकते हैं। किसी सूचना या संवाद का मौखिक उच्चारण किया जाता है, जैसे कि आमने सामने वार्तालाप करना, विचार सभा, भाषण, सम्मेलन, साक्षात्कार, रेडियो प्रसारण, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिर्फ वाचिक संचार के। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल, मीन्स की अवाचिक। इट इज बेसिकली अ प्रैक्टिस ऑफ गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड अ बॉडी लैंग्वेज टू सेंड इन्फॉर्मेशन। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इंटेंशनली, अन इंटेंशनली वेन कम्युनिकेटिंग। फॉर इंस्टेंस, अ पर्सन कैन स्माइल unintentionally when they hears an interesting piece of information or a pleasant idea. अब जब non-verbal की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी बात आप, कोई भी मैसेज किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं बट बिना बोले। अब बिना बोले हम किसी भी पर्सन तक अगर मैसेज पहुंचाते हैं तो या तो वो आपका कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई साइन हो सकता है इसके थ्रू, या फिर बॉडी लैंग्वेज, तो इसके थ्रू हम मैसेज पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कोई बात है, ठीक है, अगर वो आपको अच्छी लगी है तो आप वहाँ पे पूरा सेंटेंस ना बोल के आप स्माइल कर जाते हैं, तो उससे सामने वाले को ये चीज़ क्लियर हो जाती है, उस पर्सन को क्लियर हो जाता है कि आपका मतलब हाँ है या ना है। तो ये
साइन लैंग्वेज हो गया या फिर कोई भी एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज से जब हम शॉर्ट में कोई भी मैसेज, बट इसके लिए इंसान का आमने सामने होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये नॉन वर्बल हो गया। इसके बाद में इसे हिंदी में कहते हैं अवाचिक संचार। इस प्रकार के संचार में शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि नॉन वर्बल है ऑब्वियसली, तो इसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं होगा। भावनाओं अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए चिन्ह, भाव, संकेतों, इशारों का इस्तेमाल किया जाता है। यह है एक प्राकृतिक संचार का साधन है, मीन्स कि ये नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अवाचिक संचार निम्न प्रकार के होते हैं, लाइक हंसना, मुस्कुराना, चीखना, आँखों में इशारे करना, एक्सेट्रा। अब थर्ड वन है रिटन। रिटन का मतलब है लिखित। ये सबसे सेफेस्ट है और इसमें ये पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। आज की डेट में हम बहुत कम इसको यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप या फिर ईमेल में इसका यूज़ होता है, अदरवाइज लेटर्स लिख के तो बात अपनी बहुत कम हम मैसेज को कन्वे करते हैं क्योंकि ये इसमें टाइम लगता है और आप जिस एरा में हैं हम लोग वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड है, तो हर चीज़ को हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। अब रिटन में क्या होता है, इट इज़ ऑल अबाउट टाइपिंग, प्रिंटिंग, सिम्बल्स, नंबर्स, लेटर्स एंड राइटिंग टू सेंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। समटाइम्स यूज टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन फॉर एविडेंस और रेफरेंस पर्पज। इन द वर्क प्लेस ई मेल इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन को हिंदी में लिखित संचार कहते हैं। इसमें लिखित संचार का अर्थ है कोई भी रिपोर्ट है, टेलीग्राम है आदि के माध्यम से संदेश, आदेश या फिर निर्देश को भेजना। यह संचार का एक औपचारिक तरीका है और कम लचीला है। यह लिखित दस्तावेज ठीक से भविष्य के संदर्भ के लिए एक स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप रिटर्न में किसी को कोई मैसेज देते हैं तो वो एक एज अ मेमोरी आप उसको सेव रख सकते हैं, अपने पास संभाल के रख सकते हैं, या फिर फ्यूचर में आपको दोबारा उसको देखना है तो आप उसे ईजिली देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है, लास्ट वन इज़ विजुअल। इट uses art, photographs, sketches, graphs, charts and drawing to pass on the information action. It is used to specially during presentation to present to give a visual effects and support written or verbal communication. Visual का मतलब होता है दृश्य संचार। इसमें हम विजुअल का मतलब होता है दृश्य संचार। इसमें हम फोटोग्राफ्स का या फिर स्केचेस का, इन शॉर्ट हम ड्राइंग्स का यूज़ करके किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, दृश्य संचार में दृश्य संचार विचारों और सूचनाओं को ऐसे व्यक्त किया जाता है जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। मींस कि बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है जब हमें देख के ही चीज़ें समझ में आ जाती है, हमें उसके एक्सप्लेनेशन के लिए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक कोई पेंटिंग है या कोई थॉट्स हैं, जैसे कॉमिक बुक्स आती थी तो पिक्चर्स के इफ़ेक्ट से ही आपको समझ में आ जाता था कि ये स्टोरी क्या है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, एक ग्राफ है, ठीक है, मैप है या फिर चार्ट है, कोई मॉडल है, टेबल है या फिर मल्टीमीडिया, जैसे इनका इस्तेमाल दृश्य संचार के लिए किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में, वो है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मोड संचार के तत्व। इसमें हमारे पास टोटल थ्री हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसमीटर, जिसको सेंडर या प्रेषक कहते हैं। सेकंड वन इज़ चैनल एंड लास्ट वन इज़ रिसीवर। इन तीनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने कोई भी मैसेज किसी को दिया और वो मैसेज डायरेक्ट ना पहुंच के किसी के थ्रू जा रहा है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास एक सेंडर होगा, मीन्स कि जो मैसेज भेजने वाला है, और एक रिसीवर जिसको मैसेज मिलेगा। लेकिन जब मैंने ये बोला है कि ये डायरेक्ट नहीं जा रहा है तो इसका मतलब सेंडर और रिसीवर है, इनके बीच में कोई ना कोई मीडियम के थ्रू काम कर रहा होगा। तो जो नेक्स्ट जो बीच में जो मीडियम का मीडिएटर का काम कर रहा होगा उसे हम चैनल कहते हैं, मीन्स कि जो बीच में जो मॉडरेटर का आपने यूज़ किया है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो होता है उसे हम चैनल कहते हैं। अब देखिए ट्रांसमीटर का क्या मतलब है, कन्वर्ट्स अ मैसेज सिग्नल फ्रॉम सोर्स इनटू अ फॉर्म सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन। जो व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को भेजता है, ये होता है हमारा ट्रांसमीटर, मीन्स की सेंडर जिसने मैसेज भेजा। फिर चैनल है मीडियम दैट कनेक्ट्स द ट्रांसमीटर विद द रिसीवर। ये एक ऐसा मीडियम होता है जो ट्रांसमीटर सेंडर को रिसीवर से कनेक्ट करता है। यह माध्यम मार्ग या मार्ग है जिसके माध्यम से प्राप्तकर्ता को प्रेषक द्वारा संदेश दिया जाता है। लास्ट वन इज रिसीवर।
द सिग्नल फ्रॉम चैनल एंड रिकंस्ट्रक्ट टू आर रिकॉग्नाइजेबल फॉर डिलीवरिंग टू द यूजर, वह व्यक्ति जिसे संदेश भेजा गया है। तो ये कुछ कॉम्पोनेंट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम के। ये थ्योरी बेस्ड पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।